स्वागत है आप सभी का आज की एक न्यू वीडियो के अंदर। आज हम लोग बताने वाले हैं माइनक्राफ्ट के अंदर किस तरह से वन ब्लॉक को स्पॉन किया जाता है, वन ब्लॉक वर्ल्ड कहां से डाउनलोड करें और किस तरह से वन ब्लॉक वर्ल्ड को हम लोग अपने मोबाइल के अंदर सिंपली से प्ले कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी मेरे भाई अभी चैनल पे नए आ रहे हैं ना, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए आप सभी का एक सब्सक्राइबर। तो चलो गाइस, फालतू की बातें नहीं करते, सीधा चलते वीडियो की तरफ। हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे डाउनलोड करके बताने वाले आप सभी को बिल्कुल लाइव। तो जो भी मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से कि वन ब्लॉक कहाँ से डाउनलोड करते हैं, हम लोग भी सिंपली कहाँ से डाउनलोड करते हैं और जितने भी यूट्यूबर है, जो भी है भाई, जितने भी गेमर्स है, सब लोग कहाँ से डाउनलोड करते हैं आप लोग देख लो आज। और जो भी भाई इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी वीडियोज़। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप सभी को कहाँ से डाउनलोड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस क्या करना है, मैं अपने को माइनक्राफ्ट को आप सभी को ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मेरा माइनक्राफ्ट ओपन हो रहा है और जैसे मेरा माइनक्राफ्ट ओपन हो रहा है तो मैं इस पर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो बता देना, डाउनलोड लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है भाई, आ जाना है माइनक्राफ्ट गेम के अंदर और अभी आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, आपको सेटिंग में चला जाना है। ठीक है, माइनक्राफ्ट में आना, सेटिंग में जाना और सेटिंग में जाने के बाद से अभी आपको कुछ टाइम वेट करना है। इस तरह से लोडिंग होने के बाद से आपको क्या करना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आ जाना है गाइस। प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आना सेटिंग में आके और थोड़ा सा स्लाइड करना, आप सभी को यहाँ पे फाइल स्टोरेज लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है प्रोफाइल के अंदर। इस स्टोरेज को आपको एप्लीकेशन रहेगा ऑलरेडी, बट आपको एप्लीकेशन से एक्सटर्नल पर क्लिक कर देना है जस्ट। चलो गाइज, मैंने अभी एक्सटर्नल पर क्लिक कर दिया, आप सभी के सामने इस तरह से अलाउ माइनक्राफ्ट टू एक्सेस फोटो मीडिया एंड बाकी सारी चीज़ों का आपके डिवाइस से कनेक्ट होने का ऑप्शन आएगा, तो इसको अलाउ कर देना है। जस्ट अलाउ करने के बाद से हमें एक बार बैक चला जाना है और बैक जैसे ही हम आते हैं प्ले पे क्लिक करना है। प्ले पे क्लिक करने के बाद से अगर आपका पहले से कोई भी वर्ल्ड होगा तो सारा वर्ल्ड आ जाएगा एक्सटर्नल फाइल के ऊपर। तो मेरा ये पुराना वर्ल्ड था तो ये सारा वर्ल्ड है मेरे पास, बट इसमें सर्वाइवर और वर्ल्ड है मेरे पास, माई वर्ल्ड है और वन ब्लॉक वर्ल्ड अभी नहीं है। तो गाइज, मैंने एक और वर्ल्ड डाउनलोड किया जिस वर्ल्ड में वनली वर्ल्ड डायमंड्स और एमराल्ड ऐसे गोल्ड बस नगट्स, इसमें पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये वर्ल्ड का लिंक अगर चाहिए आपको तो बता देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर या फिर मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, जाके देख लेना। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे सारी सेटिंग्स हो चुकी है, अपने को बस एक्सटर्नल पे क्लिक करना था। उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, इस गेम को बीच से बिल्कुल मिनिमाइज कट कर देना है। अभी आपको हमारे होम स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, अपने प्ले स्टोर के अंदर आना है और प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद सब क्या वर्क करने, जरा ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे आपको लिखना है माइनक्राफ्ट एडऑन्स। ठीक है, तो माइनक्राफ्ट एडऑन आपको लिख देना है और फर्स्ट नंबर पे जो ऐप है इसे इंस्टॉल करना है, एडऑन फॉर माइनक्राफ्ट। ठीक है, तो अभी आप बोलते हो कि ये तो मेरे को मालूम है, बट हाँ गाइज आपको मालूम होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये कुछ भी नहीं मालूम कि ये कैसे होगा वन ब्लॉक डाउनलोड। तो अभी हम लोग इसको डाउनलोड होने तक वेट करते हैं। ठीक है, तो अपना जो है कि माइनक्राफ्ट एडऑन्स यहाँ पे इंस्टॉलिंग होने जा रहा है, जस्ट हमारा डाउनलोड हो चुका है तो हम लोग वेट कर लेते हैं इंस्टॉल होने तक। तब तक आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है, तो प्लीज़ यार कर देना शेयर। तो चलो हम लोग अभी इसको क्या करते हैं, इंस्टॉलिंग होने तक वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर किस तरह से हमें वन ब्लॉक वर्ल्ड डाउनलोड करने है। ठीक है, तो स्काई ब्लॉक कैसे डाउनलोड करने है तो अभी देख लेना गाइस, जिसके अंदर सारा कुछ फ्यूचर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपना इंस्टॉलिंग चल रहा है, अभी थोड़ा टाइम वेट कर रहा है हमको और जस्ट अभी अपना इंस्टॉल जैसे हो जाता है हम यहाँ पे कोई भी वीडियो कट नहीं करने वाले गाइस, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वीडियो कट कर लेते हैं तो शायद से आपको कोई भी मिस्टेक हो सकती है। तो चलो हम फटाफट माइनक्राफ्ट एडऑन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी अपना माइनक्राफ्ट जो है कि एडऑन यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तो इंस्टॉलिंग चले तो इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। आप सभी को इसको ओपन कर लेना है, जस्ट ओपन करने के बाद आप सभी के सामने इस तरह से इंटरफेस पे जाता है पहले, तो आपको इससे पहचान करनी है कि ये है रियल एडऑन माइनक्राफ्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम वेट करते हैं, जैसे ही अपना ये वाला ओपन होता है उसके बाद हम बताते हैं इसके अंदर क्या करने हैं। इजी वर्क है गाइस, कुछ भी नहीं करने, आपको सर्च के ऑप्शन पे आ जाने, लेकिन वन ब्लॉक और स्काई ब्लॉक अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्काई ब्लॉक एक बार से सर्च कर लेना है। हमने एक बार वन ब्लॉक सर्च कर लिया था बट उसमें हमें पैक से देखने को मिली, अभी हम लोग स्काई ब्लॉक यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और अभी कुछ टाइम वेट करते हैं, यहाँ पे नीचे चलते हैं, देखते हैं हमें कौन सा वन ब्लॉक मिलता है, अच्छा साइडर, अच्छा वन ब्लॉक लेंगे हम लोग जिसमें हम लोग सर्वाइव कर सके अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वन ब्लॉक्स तो हैं, यहाँ पे पार्कर्स भी हैं, बट हमें वन ब्लॉक, वनली वन ब्लॉक, चलो भाई वन ब्लॉक यहाँ पे मिल चुका है हमें फाइनली। तो इस वन ब्लॉक को हमें अभी कर लेना है इंस्टॉल।
तो आप सभी को स्काई ब्लॉक सर्च करना है, उसके बाद सिर्फ वन ब्लॉक सर्च करना है, उसके बाद यहाँ पे आके इसको इंस्टॉलिंग कर देने है। जस्ट हमें इंस्टॉल करने के बाद वेट करना है, यहाँ पे क्या करना है हम सभी को, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देने, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद ओके का ऑप्शन को अलाउ कर देना ओके, और जस्ट हमें वेट करना है ओपन होने का माइनक्राफ्ट गेम को। और जैसे ही अपना माइनक्राफ्ट गेम ओपन होता है, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड के अंदर जाके दिखाते हैं आप सभी के सामने लाइव कि यहाँ पे जो हमारा वन ब्लॉक वर्ल्ड है, इस बार कोई भी धोखा नहीं होने वाला है गाइज, इस बार सब कुछ सही सही हो जाने वाला है, यहाँ पे इस बार कोई स्कैम नहीं होगा। हम लोग प्ले पे क्लिक करते हैं और अभी आप सभी के सामने दिखाते हैं, यहाँ पे देखो वन ब्लॉक मैप आ चुका है अपने गेम के अंदर। अभी हम लोग इसको प्ले करते हैं और प्ले करके दिखाते आप सभी के सामने कि रियली में वन ब्लॉक वर्ल्ड है या फिर नहीं, या फिर ऐसा ना हो कि आप लोग भी डाउनलोड कर लो और आपको वन ब्लॉक वर्ल्ड देखने को ना मिले। बट नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होगा, मैं आप सभी के सामने क्योंकि पूरा वीडियो लाइव करके दिखाया हूं। अगर आपको कहीं पे भी मिस्टेक लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक कमेंट छोड़ देना भाई, क्योंकि उस कमेंट से हमें वीडियो में थोड़ी बहुत सुधार करने की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से अपने वीडियो के अंदर जो भी कमियां होंगी उसको हम लोग बाद में पूरी कर देंगे। तो गाइज कमेंट करके जरूर बताना अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो कोई। ठीक है, बट हम लोगों ने पहला वाला जो वर्ल्ड को डाउनलोड किया था वो MC पैक था, माइनक्राफ्ट एडोन का एक पैक था, जो पैक को हमें किसी मैप के अंदर इंस्टॉल करना है, उसके बाद हमको उसका एंजॉय लेना है। ठीक है, हमारे मैप के अंदर वो क्वेश्चन मार्क वाला वर्ल्ड आ जाएगा। अभी हम लोग फाइनली, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आ चुका हूँ, किस वर्ल्ड में हूँ मैं, पर भाई ये कौन सा वर्ल्ड है, मैं ये कहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे भाई साहब ये देखो अलग ही सीन है, ये तो कुछ अलग ही है भाई, बहुत ही ज़्यादा अलग है। और इस वर्ल्ड में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो भाई इस तरह से आप लोग भी काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ल्ड यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। पर गाइज ये तो स्कैम है ना, पर यहाँ पे वन ब्लॉक लिखा तो है। रुको भाई एक मिनट, मैं सबसे पहले फर्स्ट फ्रंट कर लेता हूँ। ओके, तो फर्स्ट पे हम लोग ऐड कर लेते हैं अपना, और यहाँ पे वन ब्लॉक लिख के आ रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपना वन ब्लॉक अभी तक रेडी नहीं हुआ क्या भाई, बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रोसेस है वन ब्लॉक को डाउनलोड करने का। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे वेलकम टू वन ब्लॉक, चलो यहाँ पे वन ब्लॉक के लिए हमें स्वागत किया जाता है और हम लोग यहाँ से करते हैं अपने वन ब्लॉक की स्टार्टिंग। तो चलते हैं वन ब्लॉक की दुनिया में। तो गाइस इस तरह से आप लोग सभी के सामने आएगा मैप और यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा और ये रहा अपना मैप, और इसके अंदर आप लोग चलते हैं और देखते हैं अपना वन ब्लॉक का कैसा रहता है सफ़र। तो अभी हम लोग आ चुके हैं शायद से, ओ भाई डायरेक्टली वन ब्लॉक पे, चलो भाई हम लोग वन ब्लॉक पे आ चुके हैं और इसको हम लोग कट कर दिए अभी। तो अभी क्या हुआ ना भाई, हम तो वैसे ही मर गए, एक बार से और हम लोग आ जाते और पता नहीं कैसे हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे इस टीवी वर्ल्ड। तो भाई हम लोग इस वन ब्लॉक को कट करते हैं और जैसे ही कट करते हैं हमारे नीचे दूसरा ब्लॉक आ जाता है, ये देख सकते हो आप सभी लोग। इस तरह से हमें इस ब्लॉक को कट करना है, सारे ब्लॉक से इसी तरह से हमें कट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे वन ब्लॉक, ओ भाई नीचे गिर गया मैं, चलो इस तरह से आप लोग प्ले कर सकते हो इस वन ब्लॉक वर्ल्ड को। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, बट हाँ गाइस जो भी बंदे इस वीडियो को फुल्ली वॉच कर रहे हैं अभी तक, मेरे भाई दिल से धन्यवाद है तुम्हें, क्योंकि आप सभी को ये सारी प्रोसेस के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरह से हमें वन ब्लॉक को स्पॉन करना है और किस एप्लीकेशन से इंस्टॉल करना है। सिंपल है गाइस, प्ले स्टोर में जाओ, एडन डाउनलोड करो और वहां से आप लोग वन ब्लॉक को डाउनलोड करके इंजॉय करो। ठीक है, तो अगर आपको जरा से भी ये वीडियो कामयाब लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्हें वन ब्लॉक की वीडियो चाहिए।